हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिलग्रीम के इस ऑयल फ्री जेल मॉइस्चराइजर का। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जिनकी स्किन ऑयली है, एक्ने है, ब्लेमिशेज है, पिंपल्स है, स्पेशली उन लोगों के लिए प्रोडक्ट है। और पूरी डिटेल मैं आपको दूंगी बिकॉज अभी मैं इसके बारे में अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, बस कुछ दिनों का मेहमान है ये मेरे पास। अब मैंने इसको पूरा यूज कर लिया है तो इस का मतलब यही बनता है कि ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा होगा। अदरवाइज अगर मुझे सूट ना करता, अच्छा ना लगता, किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम लगती तो इसको मैं 1 वीक तो एटलीस्ट मैं ट्रायल करती हूँ हर चीज का, और उसके बाद अगर मुझे नहीं अच्छा लगता तो फेंक दो भैया, छोड़ दो, रिव्यू देने के बाद छोड़ दो। तो अभी टाइम नहीं मिल रहा था इसका रिव्यू करने का, फाइनली अभी खत्म होने वाला है, मैंने कहा अब तो इसको रिव्यू करना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्या दिखाऊंगी भैया आप लोगों को इसके अंदर क्या था। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन दिया गया उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तब भी, एंड वीडियो के अंदर कुछ भी ऐसा पार्ट दिखे जहां पर आपको लगे कि नहीं मैम ऐसा नहीं था तो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, बिकॉज कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत सी चीजें सीखने को भी मिलती है। तो प्लीज कॉमेंट कर दिया कीजिए अगर आपको वीडियो कैसी भी लगती है, और कॉमेंट करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे आपके मोटिवेशन एंड सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पिलग्रीम का ये सीक्रेट्स ऑफ जीजूज आइज लेंथ प्रोडक्ट है, ऑयल फ्री जेल मॉइस्चराइज़र। और ये कुछ इस तरह की आउटर पैकेजिंग में आता है, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग होती है, और इसके साथ ही ये प्लास्टिक का कंटेनर दिया जाता है जिसमें मॉइस्चराइज़र रहता है। एंड ये काफ़ी क्यूट सी पैकिंग में आता है, अनब्रेकेबल इसका बॉक्स रहता है, 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ होती है। एंड इसका जो प्राइस है वो यहाँ बार की साइड किया गया है 495 रुपीज़, लेकिन मैंने इसे बाय वन गेट वन पे परचेज़ किया था, ऑफ़र चल रहे थे। एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो है 50 ग्राम की। एंड इसके आउटर साइड में सभी चीज़ें मेंशन है कि इसे कैसे यूज़ करना है, इनके इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं और ये किस तरह से हमारी स्किन पर काम करेगा, एंड सभी चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं। एंड ये टॉप टॉक्सिस 20 फ्री प्रोडक्ट है तो इसीलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इसके इंग्रेडिएंट की लिस्ट थोड़ी लंबी है और बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो सभी को पढ़ना वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इसके जो वर्किंग इंग्रेडिएंट्स हैं, मेन हाईली की इंग्रेडिएंट्स हैं जो, वो है इसका नियासिनामाइड, हाइरोनिक एसिड एंड विलोबक। तो ये तीनों किस तरह से हमारी स्किन पर काम करते हैं, तो फर्स्टली नियासिनामाइड जो है वो हमारी स्किन की जितनी भी पिगमेंटेशन है उसको रिड्यूस कर देता है, एंड सेकेंडली इसका जो सेकेंड की इंग्रेडिएंट है वो है हाइरोनिक एसिड, एंड वो हमारी स्किन के टेक्स्चर को काफ़ी स्मूथ कर देता है, काफ़ी सॉफ्ट बना देता है। एंड थर्ड है विलोबक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारी स्किन का जितना भी ऑयल प्रोडक्शन, एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन होता है उसको रिड्यूस कर देता है, हमारी स्किन पर जितने एक्ने होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, उनको मिनिमाइज करता है, एक्ने को स्टॉप करता है, काफी हेल्पफुल रहता है ये विलो बग जो इंग्रेडिएंट है। तो इसीलिए ये जो मॉइस्चराइजर है ये काफी ज्यादा आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखता है, फुली 8 to 10 आवर्स का मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। मुझे इसीलिए ये मॉइस्चराइजर काफी अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको कंप्लीटली खत्म भी कर दिया। एंड ये हमारी स्किन के हाइड्रेशन को इंटेंस करता है, हमारी स्किन की जो ब्लेमिशेस होती हैं उसको फेड्स करने में काफ़ी हेल्प करता है, धीरे 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 कम कर देता है, उसके बाद वो स्टॉप ही हो जाती है अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं। एंड ये हमारे पोर्स को काफ़ी हद तक कम कर देता है, मिनिमाइज नहीं करता, पोर्स होने ही बंद हो जाते हैं अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं, और इसके रिजल्ट्स आपको तब दिखेंगे, कम से कम आप इसको 6 वीक तक यूज़ करेंगे, आप 1 हफ्ता यूज़ करेंगे उसके बाद आपको इसके रिजल्ट्स दिखें। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा पुरानी और बहुत ज्यादा गहरी प्रॉब्लम्स है तो एटलीस्ट कम से कम आपको 6 वीक तक इसे यूज करना होगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द रिजल्ट, बिल्कुल डेफिनेटली आप इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। और बात करूं इसको कैसे यूज करना है, इसका टेक्सचर, तो इसका टेक्सचर बहुत लाइट वेट है, मैं इसे रेगुलर दिन में 2 बार यूज करती हूँ, मॉर्निंग में एंड नाइट में। एंड ये बिल्कुल ट्रांजी सा है, बिल्कुल ट्रांजी सा है, कोई इसके अंदर कलर एडिट नहीं किया गया है, इसका टेक्सचर बिल्कुल लाइट वेट है और ये जल्दी से स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है। एंड आपको बिल्कुल थोड़ी सी सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, यू कैन सी हेयर बहुत जल्दी, मतलब बिल्कुल स्टिकी एंड ग्रीसी भी नहीं लगता, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। एंड बाहर से थोड़ी आवाज़ आ रही है बिकॉज अभी फेस्टिवल है दिवाली का और बच्चे तो हैं गली में शोर मचाना शुरू कर देते हैं, तो प्लीज़ डोंट माइंड, इग्नोर कीजिएगा। एंड अभी मैं आपको इसको अपने फेस पर भी लगा के दिखाती हूँ।
क्योंकि मैंने कोई भी ऐसे हैवी मेकअप नहीं किया हुआ, जस्ट मॉइस्चराइजर ही लगाया हुआ है पहले भी, एंड मैं सेकंड टाइम भी मॉइस्चराइजर आपको लगा के दिखाती हूँ कि मैं इसे यूज कर रही हूँ। एंड इसकी फ्रेग्रेंस मुझे इतनी, मतलब पिलग्रिम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, मुझे सभी की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है। मतलब बहुत लाइट सी, सूदिंग सी, माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है ना, बहुत अट्रैक्टिव सी फ्रेग्रेंस मुझे लगती है। तो मतलब मुझे इसका ये प्लस पॉइंट लगता है, क्योंकि बहुत हार्ड फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती, इरीटेट करते हैं। तो फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड रिजल्ट भी बहुत अच्छे देते हैं। एंड सबसे बड़ी बात कि इसको लगाने के बाद आपकी जो स्किन का ऑयल प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है, तो वो कम हो जाता है, आपको बिल्कुल भी स्टिकी ग्रीसी ऐसा कुछ नहीं लगता है। एंड यहाँ पर जो आपके फेस पर बार बार ऑयली ऑयलीनेस फील होती है ना, तो वो चीज़ भी होनी बहुत कम हो जाती है, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अब बात करते हैं कि इसको मैंने क्यों पसंद किया। पसंद इसलिए किया कि फर्स्टली तो ये ऑयल फ्री जेल मॉइस्चराइजर है, फ्रेगनेंस इसकी अच्छी रहती है, पिलग्रीम के मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट अच्छे पसंद किया। एंड सेकेंडली इसके अंदर कुछ भी ऐसा हार्मफुल नहीं डाला गया, लाइक पैराबेन नहीं है, सिलिकन नहीं है, मिनरल ऑयल्स नहीं है, डर्मोलॉजिकल टेस्टिंग अप्रूव है, 100% वीगन है, कोई एनिमल टेस्टिंग नहीं की गई, एंड प्लास्टिक पॉजिटिव रहते हैं इनके प्रोडक्ट। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे इसलिए लगे कि प्लस पॉइंट ही है सभी। एंड ये फुली रिकमेंडेड है सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए, एक्ने स्किन वालों के लिए, ड्राई स्किन वालों के लिए आप यूज कर सकते हो अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है ये। आप विंटर में, समर में, दोनों टाइम पे आप इसे यूज कर सकते हो, एनी सीजन, एनी विंटर, मैन एंड वुमेन दोनों इसे यूज कर सकते हैं, कुछ भी आपकी स्किन पर कुछ भी ऐसा हार्मफुल नहीं होने वाला। और मेरी तरफ से रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।